हाय विम्सी क्राफ्टर में आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, खुश हैं और बहुत ज़ोरों शोरों से गार्डनिंग की तैयारी कर रहे हैं। वेलकम बैक टू विम्सी क्राफ्टर। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड आई एम ऑप्टिमिस्टिक दैट यू पीपल आर डूइंग ग्रेट एंड यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर विंटर गार्डन। मैं यूजुअली हिंदी में वीडियो बनाती नहीं हूँ, पर मेरे कुछ व्यूअर्स के रिक्वेस्ट पे आई हैव डिसाइडेड कि अभी से मैं हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल वीडियोज़ एक साथ एक ही वीडियो में बनाऊँगी, ताकि मेरे हिंदी स्पीकिंग और इंग्लिश स्पीकिंग व्यूअर्स को आसानी हो। आई हैव डिसाइडेड टू मेक वीडियोज़ bilingual. I mean all the videos that I upload will be bilingual so that both my Hindi and English speaking audiences can benefit from my videos. आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है 5 ऐसे टिप्स जो विंटर गार्डनिंग शुरू करने से पहले आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। Today's topic is 5 tips that you must know before you start your winter garden. मैं खुद ये tips follow करती हूँ हर साल। I myself follow these 5 tips every year और जो outcome आता है वो बहुत ही pleasant होता है, बहुत ही सुकून मिलता है, खुशी मिलती है। And the outcome that I get from following these 5 steps always ends up in a very positive note. मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। सो वीडियो को एंड तक देखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और नीचे कमेंट्स में मुझे बताइए आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। इफ़ यू लाइक माई कंटेंट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड येस एज ऑलवेज डोंट फॉरगेट टू कमेंट बिलो वेयर यू आर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रॉम। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए ये 5 टिप्स जान लेते हैं। कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले प्लानिंग बहुत ही ज़रूरी है। सो एक टू डू लिस्ट यानी क्या क्या करना है उसका लिस्ट बनाने से आपका काम और भी आसान हो जाएगा। आप लिस्ट में इंक्लूड कर सकते हैं कि आपको गार्डनिंग के लिए क्या क्या खरीदना है, कितना बजट सेट करना है। और एक बार आप जब ये स्टेप कर लेंगे आप देखेंगे कि आपका काम कितना आसान हो जाएगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू प्लान अ न्यू प्रोजेक्ट बिफोर यू गो अहेड। सो मेकिंग अ टू डू लिस्ट विल रियली हेल्प यू। A to-do list can include your budget, things you need for gardening, and this will eventually make your work very easy. अगला जो टिप मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो है पॉटिंग मीडिया। पौधे लाने से एटलीस्ट 2 हफ्ते पहले अपना पॉटिंग मीडिया यानी मिट्टी तैयार करके रखिए। तैयार करने का मतलब मिट्टी में खाद वगैरह जो भी है मिला के एक बस्ते में बंद करके, थोड़ा सा पानी छिड़कने के बाद बस्ते में बंद करके 2 हफ्ते के लिए रख दीजिए। ये टाइमिंग क्रूशियल है क्योंकि इस टाइमिंग के दौरान मिट्टी में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो इस खाद के ऊपर काम करके मिट्टी को और भी ज़्यादा रिच बना देते हैं। इट्स इम्पॉर्टेंट दैट यू प्रिपेयर योर पॉटिंग मिक्स एटलीस्ट 2 वीक्स अहेड ऑफ ब्रिंगिंग इन योर प्लांट्स so that the potting mix that you have made containing different types of fertilizers interact with the microbes present in the soil, making your plant all the more rich. तीसरे टिप में मैं बात करूँगी प्लांट सिलेक्शन की। प्लांट्स बेसिकली 2 तरह के मिलते हैं सीजन में, एक है फ्लावरिंग पौधा और दूसरा है फोलियाज का पौधा। फ्लावरिंग पौधा जैसे इस वीडियो में आप देख रहे हैं वैसे ही तरह तरह के कलरफुल फ्लावर्स मिलते हैं। और दूसरा जो टाइप है पौधे का उसमें बहुत डिज़ाइन वाला लीव्स मिलता है, जैसे इस वीडियो में आप देख रहे हैं। सो आपका रिक्वायरमेंट्स क्या है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वही है। आप कौन से तरह के पौधे अपने गार्डन में इंक्लूड करना चाहते हैं वो डिसाइड करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। It's very important to decide the kind of plants that you want for your garden, whether you want flowering plants or foliage plants. And both of these will depend on the type of environment that you have in your growing area. So please make an informed decision so that it doesn't lead up to hoarding plants once you visit the nursery. दूसरे पॉइंट में मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि अगर आप लोग बीज से पौधे उगाने की सोच रहे हैं, आप बीज लोकल नर्सरी या कोई रिलायबल सेलर से लीजिए। फेक सीड्स बेचना एक बहुत बड़ा स्कैम है और ऑनलाइन शॉपिंग के तहत ये स्कैम दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। मैं अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से आपको बोल सकती हूँ कि 90% टाइम्स ये जो सीड्स हम लोग ऑफ़र में या लेस प्राइस में ख़रीदते हैं ये उगते नहीं हैं, और अगर उगते भी है तो जो प्लांट दिखाते हैं पिक्चर में वैसा कुछ आता नहीं है। इसीलिए आप अगर सीड्स से खरीदना ही चाहते हैं तो आप कोई रिलायबल सोर्स से खरीदिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू बाई सीड्स फ्रॉम रिलायबल सोर्सेज एंड प्रिवेंट योरसेल्फ फ्रॉम गेटिंग स्कैम्ड, because you know getting scammed through buying seeds online is becoming rampant these days, and most of the time, at least from my personal experience, I can tell you that most of the time the seeds never come up with the same kind of plants that are advertised. So it's always a better option to buy seeds from a reliable source like your local nurseries. फाइनल टिप में मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि अगर आप विंटर गार्डनिंग का प्लान कर रहे हैं, आप प्लीज़ सीडलिंग्स खरीदिए और सीड से सीडलिंग्स तैयार करने के बजाय सीडलिंग्स से अपने फ्लावरिंग प्लांट्स को ग्रो कीजिए। सीडलिंग्स ईजिली नर्सरीज़ में, लोकल नर्सरीज़ में मिल जाता है, लोकल नर्सरीज़ में विज़िट कीजिए। सीडलिंग्स अपने वैरायटी के हिसाब से 5 रुपये से शुरू करके 20 रुपये तक, 30 रुपये तक भी आता है। सो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है और ये सीडलिंग्स से आपको बहुत ही जल्द फ्लावर मिलने के चांसेस रहते हैं। सीड से जब आप सीडलिंग उगाते हैं, सो सीड से सीडलिंग उग के उससे बड़ा प्लांट आके फ्लावरिंग होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और तब तक शायद सीज़न भी ख़त्म हो जाता है। इसीलिए सीडलिंग खरीदना ऑलवेज एक बेटर ऑप्शन है। इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया टू परचेज सीडलिंग्स रादर देन रेजिंग सीडलिंग्स फ्रॉम सीड्स, because seedlings grow into bigger plants faster and you take much lesser time to actually grow the plants and to get flowers from them. So it is always a better practice, and I'm telling you this from personal experience, to buy saplings instead of seed. उम्मीद करती हूँ ये 5 टिप्स आपके बहुत काम आएगा। I hope you will find these tips really helpful. इसके बाद और भी कुछ वीडियोस में अपलोड करूंगी जो आपको गार्डनिंग के लिए प्रिपेयर करेगा, विंटर गार्डनिंग के लिए प्रिपेयर करेगा, क्योंकि यही सीज़न है बहुत सुंदर सुंदर फूलों को खिलाने का। सो प्लीज़ मेरे चैनल पे सब्सक्राइब रहिए, ऑल नोटिफिकेशंस ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए बेल आइकन को दबाने के बाद, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ आप मिस ना करें। If you like my content, please stay tuned to my channel. There are more videos coming up that will prepare you for your winter gardening. So stay tuned to my channel. Click the bell icon beside the subscribe button and select all notifications so that you never miss a video when I upload one. Take care and happy gardening. अपना ख्याल रखिएगा और ऐसे ही मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिएगा। Thank you. Take care.